भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्धप्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। अरे कुछ होए, ये भीमराव है बहुते जिद्दी, ऐसा खेल चाया कि बड़ी जात के लोग मार मार के भगा दिए गए। और देखो हिया, मजे से शादी हुई रही है। अरे भीम ने थोड़ी किया है, ये तो बाला ने किया है सब कुछ। अरे चाहे भले बाला करे होए, लेकिन भौकाल दिखर बना ये भीमराव का है। ये बताओ, बाला आज तक कभू आनंद के लाने करिस कुछ, और तो और राम जी के लाने करिस, फिर ई भीम के लाने ही कहे गलत है। और ई उहे बाला है जो अपन जात छुपाए के नौकरी करत रहा, और आज देख लो खुल्लम खुल्ला ऊंची जात के लोगन से न सिर्फ लोहा लीस बल्कि नरोत्तम जोशी का भी मार के भगवा दीस। ऐसे ही थोड़ी हार मान लेते हैं बड़ी जात के लोग, और नहीं नरोत्तम जोशी हार मानने वालों में है, उनके दिमाग में जरूर कुछ न कुछ चल रहा होगा। और देख लेना, वो जरूर कुछ न कुछ करेंगे ही। नरोत्तम तुम कैसे भूल गए कि निर्मला तुम्हारी अपनी सगी बहन है, कोई अपने ही बहन के साथ ऐसे करता है क्या? बख्श दो उनको, बख्श दो। किसी भाई को अपनी अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन लेकिन क्या करे, हर बार ये समाज के लोग आते थे और निर्मला को मारने की धमकी देते थे। हर बार मैं ये सोचता था कि उसके प्रति और कठोर बनूंगा, उससे विधवा धर्म का पालन करवाऊंगा उसकी भलाई के लिए, कालिक देख ले, ये कालिक उस निर्मला की वजह से हमारे चेहरे पर लगी है। मैंने लगाई है, मैंने अपने चेहरे पर, इन समाज वालों के चेहरे पर, ताकि ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस कालिक को साफ करूं, वो मैं करूंगा। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है काकी, पांच को खड़ा करके पुलिस को वहां खड़ा करके क्या शादी कर लोगे? इस बंबई से बाहर चले जाओगे? नहीं, इस बंबई से बाहर नहीं जा पाओगे। लेकिन करोगे क्या जोशी जी? करूंगा, मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है जो कि आप सब में है नहीं।
निर्मला को उसके किए का दंड मिलेगा। बहुत समझाया था उसे, लेकिन उसने अपने ही भाई को अपना दुश्मन समझा। इस बार जीत हमारी होगी, और अगर हमारी जीत नहीं हुई तो आप सबका जूता और मेरा सर। कितना अच्छा दृश्य है ना, एक विधवा का फिर से दुल्हन बन जाना, दम तोड़ती हुई जिंदगी में एक मुट्ठी जान भर दी जाए तो सब कुछ कितना खूबसूरत दिखने लगता है। आज वो एक मुट्ठी जान अभय जी ने निर्मला जी के जीवन में डाली है। आज के बाद निर्मला जी अपने पूरे जीवन में इस बात को लेकर खुद को सौभाग्यशाली मानेगी कि उन्हें उनके जीवन में दूसरा मौका मिला। लेकिन मुझे लगता है कि औरतों को दूसरा मौका उनके भाग्य से नहीं बल्कि अधिकार से मिलना चाहिए। और उसके लिए समाज का खुला होना भी जरूरी है। विधवा स्त्री को बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए लोग तैयार होने चाहिए। अभी तो ये सोचकर ही मुश्किल लग रहा है, लेकिन एक ना एक दिन ऐसे जरूर होगा। पता नहीं वो दिन कब आएगा। वर वधु एक दूसरे के गले में वरमाला डाले। रमा चलो जल्दी, अभय जी और निर्मला जी को उनके आगे के जीवन पथ पर विदा करके आते हैं। वैसे ये अच्छा है ना, कभी कभी हम दोनों मिलकर ऐसी डायरी लिखा करेंगे ताकि कुछ मुद्दे समझने के लिए हम दोनों की डायरी एक साथ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। रमा भीम बाव आ गई। चलो देखिए, वो लोग इसी रास्ते से आएंगे,
लेकिन हमें उन्हें उन्हें रोकना होगा, उन्हें उन्हें किसी भी तरह रोकना होगा। सुनो, कानून से कोई नहीं डरेगा। भीड़ की ताकत हमेशा कानून से बड़ी होती है, और आज हमें यही साबित करना है। करना क्या है, अच्छी तरह समझ गए ना? ये अच्छे से समझ गए कि इस अंगोछे का क्या करना है और इस रस्सी का क्या करना है। निश्चिंत रहिए, वो लोग यहां से नहीं जा पाएंगे। लेकिन एक समस्या है जोशी जी। मनहूस, अब क्या हुआ? यही जोशी जी के अगर उनके साथ भीमराव आया तो? हाँ, क्योंकि वो भीमराव रहता है तो कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेता है। उसकी चिंता मत करो। उसको मैं देख लूंगी। बस मेरी कसम खा के कहो कि निर्मला को जान से नहीं मारोगे और उसे पकड़ के मेरे हवाले कर दोगे। कसम खाता हूं आई, मैं कसम खाता हूं कि निर्मला को नहीं मारूंगा, उसे आपके हवाले कर दूंगा। तो फिर तैयारी शुरू करो। हाँ, विदाई हो रही होगी। खुश रहो बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को, सच में बहुत खुशी हो रही है आज। अब हम चलते हैं। मैं याद रखूंगा आप लोगों को कि आपने हमारी कितनी मदद की। मैं भी, जो कुछ भी आप लोगों ने हमारे लिए किया। और हमें यह भी समझ आया कि आपकी दुनिया से जब तक हम अलग रहे तब तक आप सब हम सब से अलग लगे, लेकिन आपसे मिलकर यह भी समझे कि आप सब हमारी ही तरह हैं और हम सब भी आप लोगों की तरह। वाह वाह वाह, इस भीम और रमा ने आपकी मदद क्या कर दी? आपका फायदा क्या हो गया? अचानक से हम सब एक हो गए? मुझे नहीं लगता कि हमारे चाल के बाहर से आप कभी गुजरे भी होंगे। बस बड़ी बड़ी बातें करा लो आपसे, और क्या मतलब है आपका? आपके जैसा अगर हमें बनना होगा तो आपका फायदा कराते रहना होगा। हाँ, जीजा भाई, विदाई के समय ऐसी कटु बातें नहीं करनी चाहिए। अगर तुम्हें यहाँ नहीं रुकना है तो अंदर चले जाओ। नहीं नहीं, रहने दीजिए इन्हें यहाँ। और वैसे भी ये जो कह रही है वो सही ही तो है।
मगर अब मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जब तक हमारे परिवार का नामो निशान रहेगा तब तक हम हर एक से यही कहेंगे कि कोई भी छोटी जाति का नहीं होता है, हम सब एक समान ही हैं। और आप भी देखिएगा, एक न एक दिन बदलाव जरूर होगा, सब में होगा। ध्यान से देखो, चीजें बदलने लगी हैं। अगर प्रचंड देव दुश्मनों के नेता है तो आज उनकी ही पत्नी हमारे साथ हमारे बीच खड़ी हमें मदद कर रही है। ये बदलाव ही तो है और यही बदलाव आगे बढ़ेगा। रहने दीजिए ना बुआ, आप भी किन्हें समझा रही है? आइको, इन्हें जो समझता है, जो दिखता है, वही इनके लिए होता है। इन्हें तो अभय जी और निर्मला जी की खुशी भी नहीं दिखाई दे रही। अब है निर्मला, अब हमें चलना चाहिए, ट्रेन का टाइम हो रहा है, चलो। सर, मैं भी आपके साथ चलता हूँ इन दोनों को स्टेशन पहुँचाने। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। हाँ, मैं भी साथ चलता हूँ। हाँ, जाइए सब बारात बनकर उनके पीछे पीछे चले जाइए। तीन दिन से कह रही हूँ घर में राशन नहीं है, राशन नहीं है, लेकिन ये नहीं सुनना है आपको। उनके पीछे जाएंगे आप। और सुबह से क्या कह रही हूँ मैं, रात से मेरी भाभी को खांसी हो रही है। देखा देखा आपने, लेकिन उनकी दवाई लाने का वक्त कहाँ है आपके पास? वो सब नहीं चिंता है आपको, उनके साथ जाना है आपको। बाबा आप जाइए राशन लाने, मैं और रमा निर्मला जी और अभय जी को स्टेशन छोड़ के आते हैं। सभी चालवासियों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। जिन कठिन परिस्थितियों में आप सब ने हमारा साथ दिया और हमारी सहायता की, उसे हम जीवन पर्यंत नहीं भूलेंगे और सदैव आपके आभारी रहेंगे। निर्मला, अभय, हमेशा खुश रहो। खुश रहो अभय, खुश रहो निर्मला। बताओ क्या लाना है राशन में, सब लेकर आता हूँ। बाबा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। हाँ जाओ, सब चले जाओ। दो दो नौकरानियाँ जो है घर पर काम करने के लिए, मैं और मेरी भाभी, हम सब कुछ कर लेंगे। हाँ आई, आप हर बात को गलत तरीके से क्यों लेती हैं? और जहाँ तक की बात रही घर के काम की, तो मैं और रमा वो कर चुके हैं। लक्ष्मी क्यों उलझ रही हो? रहने दो, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। बताओ क्या लाना है राशन में? पूछ तो ऐसे रहे जैसे खरीद कर बंबई ला कर रखेंगे मेरे सामने। लाना क्या है? वही जो रोज खाते हैं, सूखी रोटी का आटा, कांदा, बटाटा, यही लाना है। कोई पंच पकवान के लिए राशन नहीं लाना है। अभय, हमने और हमारे स्टाफ ने तुम दोनों को नई जिंदगी का शुरुआत करने के लिए कुछ गिफ्ट देने का प्लानिंग किया है, इसलिए वो सब लोग मार्केट में शॉपिंग कर रहे हैं, गाड़ी भी उधर खड़ा है। बस तुम दोनों को गिफ्ट देकर गाड़ी में बिठाकर स्टेशन छोड़ दिया जाएगा। थोड़ा दूर है, थोड़ा तेज चलते हैं, कम ऑन। तेरा नाटक जितना सही लगेगा उतनी आसानी से अभय और निर्मला पकड़े जाएंगे, तो जा कर नाटक, जा। अरे काकी, गिर कैसे गई आप? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? दर्द के मारे। हाँ हाँ हाँ, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। अब शांत हो जाइए, कोई मुझे अस्पताल तक पहुंचा दो। आप शांत हो जाइए, मैं मर जाऊंगी, मुझे बचाओ। भीम, तुम इसको देखो, मैं इन दोनों को स्टेशन लेके जाता हूँ। ठीक है सर, जाइए जाइए।